पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इनरव्हील क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन्स के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें चिराग नर्सिंग होम जाकर नवजात शिशुओं की माताओं धात्रियों को स्तनपान के लाभ बताए गए। डॉक्टर ऋचा अग्रवाल और डॉक्टर गिरीश अग्रवाल ने माताओं धात्रियों को बताया कि माता के स्तन का दूध बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी है और लाभदायक होता है। स्तनपान से बच्चे न केवल हष्टपुष्ट होते हैं बल्कि अनेकों बीमारियों से भी रक्षा देती है। इस अवसर पर माताओं और धात्रियों को संस्था द्वारा दलिया, बिस्किट, फल, मखाने आदि वितरित किए गए। इसके साथ साथ डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष सुनीता गुप्ता, सचिव मनीता रस्तोगी मौजूद रही। श्रेया गुप्ता, रीना गोयल, नीलम गर्ग, मीना शर्मा, मनिका रस्तोगी, कृष्णा राज, रेनू, पूनम रस्तोगी, शुभी रस्तोगी, सुनीता भदौरिया के साथ और भी सदस्य उपस्थित रही। ये जो वेस्ट फीडिंग थे उसमें हमने महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर पेशेंट को कि इस बारे में बताया है कि माँ का दूध बहुत ही सर्वोत्तम होता है और इस दूध से जो बच्चे को पनपता है वो मार्केट के जो दूध आते हैं उससे उन्हें लाभ नहीं मिलता है। और हम हर मतलब माँ को यही चाहते हैं कि माँ अपना स्तन से अपना दूध बच्चे को पिलाए ताकि उसमें हर विटामिन, किसी विटामिन की कमी ना रहे, क्योंकि जो माँ खाती है वो विटामिन बच्चे में पहुँचते हैं। और इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है कि हम उसमें फल और दलिया, बिस्किट वगैरह सभी पेशेंट को यहाँ वितरण करने आए हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। आजकल लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग से बच रही हैं, जो एक सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से लेडीज़ बच रही हैं और बच्चा थोड़ा से वो मुश्किलें सहन करना नहीं चाहती। स्टिचेस का पेन यूजली डिलीवरी सिजेरियन से हो रही हैं तो वो स्टिचेस का पेन और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग अडॉप्ट ही नहीं कर पाती हैं पेशेंट्स। उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और ब्रेस्ट फीडिंग तो बेस्ट है बेबी के लिए, शुरू के 6 मंथ्स में तो बेस्ट है। ब्रेस्ट फीडिंग इज एसेंशियल, ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, नो वाटर, नो अदर फीड, नो बॉटल फीड, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। एंड ये तो बच्चे को इंस्टेंट इम्यूनिटी देती है। इंस्टेंट इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। जो इम्यूनोग्लोबिन ए जाते हैं बच्चे के बॉडी में वो केवल ब्रेस्ट फीड से ही मिलते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।